वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग स्विफ्ट विद कोडकैट 15. दिस इज योर होस्ट रवि. आज के सेशन में विल टॉक अबाउट डिपेंडेंसीज विद APIs. व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट तो हमें दो टाइप की API डिपेंडेंसी देखने को मिलती है. वन इज सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी और सम मे कॉल इट API चेनिंग एंड दी अदर इज पैरामीटर बेस्ड डिपेंडेंसी. इन डिपेंडेंसीज को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे बाई वर्किंग ऑन अ रियल प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम्पल. अगर आपको ये जानना है कि डिपेंडेंसी क्या होता है और उसे कैसे रिजोल्व करना चाहिए तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं. इस वीडियो में मैंने GCD और ऑपरेशन क्यू इन दोनों अप्रोचेस को कंपेयर भी किया हुआ है, सो डू चेक इट आउट. वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अपर राइट हैंड कॉर्नर में जो आई बटन है आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं. सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन टुडे सेशन. सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी के बारे में. मेरे पास यहाँ पे दो API है, वन इज प्रोजेक्ट एंड द अदर इज एम्प्लॉय. द रिक्वायरमेंट इज कि सबसे पहले प्रोजेक्ट API कॉल होना चाहिए और उसके बाद एम्प्लॉय API. आप दोनों API को एक साथ कॉल नहीं कर सकते. सो बेसिकली हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो करना है. सो इन अ वे एम्प्लॉय ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट ऑपरेशन, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट API से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक एम्प्लॉय ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए. सो इस टाइप की जो डिपेंडेंसीज होती हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है उसे हम सीक्वेंशियल API डिपेंडेंसी कहते हैं. अब जिन्होंने हैंडलिंग डिपेंडेंसी वीडियो देखा है वो शायद ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है जिसे हम ऑपरेशन क्यू यूज करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है ये मैं डेमो के वक्त एक्सप्लेन करूंगा. अब बात करते हैं पैरामीटर बेस्ड डिपेंडेंसी के बारे में. पैरामीटर बेस्ड डिपेंडेंसी में होता क्या है कि रेस्पॉन्स ऑफ वन API इज द इनपुट फॉर अदर API. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल टोकन बेस्ड API इम्प्लीमेंटेशन है, और हम सभी ने इस रिक्वायरमेंट को कभी ना कभी फेस किया होगा. जैसा कि इस केस में मुझे एम्प्लॉय API को कॉल करना है, बट उससे भी पहले मुझे एक ऑथ टोकन नाम की API को कॉल करना होगा टू गेट द टोकन फ्रॉम द सर्वर, और फिर उस टोकन को एज अ पैरामीटर पास करना होगा इन द एम्प्लॉय API. सो दिस इज कॉल्ड पैरामीटर बेस्ड डिपेंडेंसी, जहां एक API का रिस्पॉन्स दूसरे API के लिए एज अ इनपुट का काम करता है. एज कम्पेयर टू सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी दिस इज एक्चुअली वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट. इस वीडियो में हम सिर्फ सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी के बारे में बात करेंगे, और इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल शो यू हाउ टू इम्प्लीमेंट पैरामीटर बेस्ड डिपेंडेंसी. सो दैट बीइंग सेड, आई थिंक वी नो कि सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी और पैरामीटर बेस्ड डिपेंडेंसी क्या है. तो चलिए लेट्स स्विच टू Xcode फॉर अवर डेमो. सो लेट्स डू अ कोड वॉक थ्रू. यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज ए ग्रुप कॉल्ड एज डेटा रिसोर्स, और इस ग्रुप के अंदर वी हैव 3 फाइल, दैट इज एम्प्लॉय डेटा रिसोर्स, प्रोजेक्ट डेटा रिसोर्स एंड सिंक रिसोर्स. और ये जो एम्प्लॉय डेटा रिसोर्स है इसके अंदर हम लोगों ने गेट एम्प्लॉय नाम की API को कॉल किया हुआ है. इनसाइड द प्रोजेक्ट डेटा रिसोर्स वी हैव मेड कॉल टू द गेट प्रोजेक्ट API. और ये जो सिंक रिसोर्स है इस फाइल के अंदर हम लोगों ने ऑपरेशन क्यू का यूज़ किया हुआ है. एंड बेसिकली इफ़ यू सी दिस कोड, ये कोड बहुत ही सिमिलर है टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द ऑपरेशन क्यू वीडियो. सो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ऑपरेशन बनाया हुआ है, दैट इज द एम्प्लॉय ब्लॉक ऑपरेशन. और इस ब्लॉक ऑपरेशन के अंदर आई हैव मेड कॉल टू द एम्प्लॉय API बाई यूजिंग द एम्प्लॉय डेटा रिसोर्स. और द सेम थिंग इज रिपीटेड फॉर द प्रोजेक्ट ब्लॉक ऑपरेशन, वेर आई एम मेकिंग कॉल टू द प्रोजेक्ट API बाई यूजिंग द प्रोजेक्ट डेटा रिसोर्स. और क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट API कॉल होना चाहिए, ओवर हियर वी आर एडिंग द डिपेंडेंसी, दैट इज एम्प्लॉय ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट ऑपरेशन. यानी सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्लॉक ऑपरेशन एक्सिक्यूट होगा और प्रोजेक्ट API को कॉल होगा, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट API का जो भी रिस्पॉन्स होगा इट विल बी प्रिंटेड ऑन द कॉन्सोल. और वंस दैट इज डन, उसके बाद एम्प्लॉय ब्लॉक ऑपरेशन एक्सिक्यूट होगा, इट विल मेक कॉल टू द एम्प्लॉय API, और जो एम्प्लॉय का नेम होगा वो कंसोल पे प्रिंट होगा. सो एज पर द कोड दिस इज व्हाट शुड हैपन. लेकिन क्या सही में ऐसा होगा? सो लेट्स रन द एप्लीकेशन टू फाइंड आउट. सो ओवर हियर, सबसे पहले वी आर इनसाइड द प्रोजेक्ट फंक्शन. सो सबसे पहले प्रोजेक्ट फंक्शन एक्सिक्यूट हुआ है एज एक्सपेक्टेड, एंड दिस इज बिकॉज यहां पे हमने डिपेंडेंसी ऐड करके रखी थी. सो ओवर हियर यू कैन सी गोइंग टू कॉल द HTTP यूटिलिटी फॉर प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट. और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स प्रिंट नहीं हुआ, उसके बाद डायरेक्टली एम्प्लॉय फंक्शन कॉल हुआ, और फिर उसके बाद HTTP यूटिलिटी को कॉल हुआ विद द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट. एंड देन ओवर हियर यू कैन सी वी हैव गॉट द रिस्पॉन्स फॉर द प्रोजेक्ट API, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के नेम प्रिंट हुए. एंड देन वी हैव गॉट द रिस्पॉन्स फॉर द एम्प्लॉय API, और यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम प्रिंट हुए. सो लुकिंग एट द रिस्पॉन्स मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कोड के हिसाब से यहाँ पे आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट शुड हैव हैपेंड इज प्रोजेक्ट फंक्शन कॉल होना चाहिए था. HTTP यूटिलिटी वुड हैव टेकन द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, और सबसे पहले प्रोजेक्ट का आउटपुट प्रिंट होना चाहिए था, और फिर उसके बाद एम्प्लॉय फंक्शन एक्सिक्यूट होना चाहिए था. एंड इफ यू आर वंडरिंग कि ये जो मैसेजेस है ये कहाँ से प्रिंट हो रहे हैं, सो ओवर हियर इफ यू गो इनसाइड द प्रोजेक्ट डेटा रिसोर्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिबग प्रिंट मैसेजेस ऐड करके रखे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई यू आर सीइंग दिस मैसेजेस ऑन द कॉन्सोल. सो मूविंग बैक, सो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैन यू गेस कि ये जो हमें बिहेवियर देखने को मिला है कॉन्सोल पे, ये ऐसा क्यों हुआ है?
थोड़े टाइम के लिए वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और सोचो कि ये बिहेवियर का रीजन क्या है बिफोर लिसनिंग टू द आंसर. सो गो अहेड पॉज द वीडियो राइट नाउ. लेट्स टॉक अबाउट कि इस बिहेवियर का रीजन क्या है. अगर हम इस कोड को डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. एम्प्लॉय ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट, और क्योंकि यहाँ डिपेंडेंसी है तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन विल किक ऑफ फर्स्ट एंड एम्प्लॉय ऑपरेशन विल वेट फॉर द प्रोजेक्ट ऑपरेशन टू कंप्लीट. जो बिहेवियर हमें देखने को मिला है इट्स बिकॉज ऑफ यूआरएल सेशन, क्योंकि यूआरएल सेशन उसके ऑपरेशन एक सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड में रन करता है, और ये जो बिहेवियर है यूआरएल सेशन का, इससे ऑपरेशन क्यू को ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब उसे एम्प्लॉय ऑपरेशन को ट्रिगर करना चाहिए. बट इन रियलिटी यूआरएल सेशन उसका काम एक सेपरेट थ्रेड में रन कर रहा है एंड इट्स वेटिंग फॉर अ रेस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर. अब एम्प्लॉय ऑपरेशन के केस में भी आपको सेम बिहेवियर देखने को मिलेगा. यूआरएल सेशन के इस बिहेवियर की वजह से वी आर सीइंग दिस आउटपुट ऑन द कंसोल. और अगर आप सीरियल क्यू भी यूज करते हो तो आउटपुट सेम रहने वाला है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सीरियल क्यू और ऑपरेशन क्यू, इट्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ यूआरएल सेशन. तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि हमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन को फोर्स वेट करवाना होगा जब तक वो रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करता. सो लेट्स डू सम टेक्निकल डिस्कशन ऑन दिस. और इस डिस्कशन के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोड लिखने से पहले हमें सोल्यूशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज अप्रोचेस दैट वी हैव. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अप्रोच विच इज नेस्टेड क्लोजर. लेट्स से मुझे दो एपीआई कॉल करना है तो दिस इज हाउ नेस्टेड क्लोजर कोड विल लुक लाइक. नॉट बैड एक्चुअली, लेकिन ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट एपीआई का रिस्पॉन्स मिलने के बाद आपको वो रिस्पॉन्स डेटाबेस में सेव करना है या आपको कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. तो उस केस में जो डू समथिंग विद प्रोजेक्ट एरे कमेंट आप देख रहे हो वहाँ पे कोड आने के चांसेस हैं. लेकिन अब कुछ डेवलपर बोलेंगे कि ठीक है दो ही तो एपीआई है तो वी विल कॉम्प्रोमाइज विद कोड रीडेबिलिटी बिकॉज हमें बस काम खत्म करना है. ठीक है, सो रिक्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं. अब दो की जगह पे चार एपीआई कॉल करते हैं सीक्वेंशियली. तो लेट्स सी हाउ द कोड विल लुक लाइक. तो अगर आप नेस्टेड क्लोजर यूज करते हो तो दिस इज हाउ द कोड विल लुक लाइक. स्टिल प्लानिंग टू यूज नेस्टेड क्लोजर? इफ येस देन गुड लक. और हर कंप्लीशन हैंडलर में आपको डू समथिंग विद रेस्पॉन्स कॉमेंट मिलेगा बिकॉज फॉर श्योर वी वॉन्ट टू डू समथिंग विद द रेस्पॉन्स. नेस्टेड क्लोजर इज अ बिग नो बिकॉज हम यहाँ पे कोड रीडेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. एंड इस कोड में आप देख सकते हो कि कितनी नेस्टिंग है. इस टाइप की नेस्टिंग को हम कॉल बैक हेल और सम में कॉल इट पिरामिड ऑफ डूम. तो डेफिनेटली नेस्टेड क्लोजर इज आउट ऑफ ऑप्शन. अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेस्टेड क्लोजर ऐसे सिनारियों में काम नहीं करेगा. दे विल डेफिनेटली वर्क, बट देन हमें ऐसा सोल्यूशन कभी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए जो कोड रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी पे इम्पैक्ट करे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप्रोच विच इज डिस्पैच असिंक और सम में कॉल इट कॉन्करेंट क्यूज. इसे भी हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो सारे ऑपरेशंस एक साथ स्टार्ट करता है. सो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ ऑप्शन. कुछ क्रिएटिव डेवलपर ऐसी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट में RX Swift इंप्लीमेंट करने का सजेशन देंगे. एक या दो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अगर कोई डेवलपर पूरे प्रोजेक्ट में RX Swift जैसी हैवी लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करता है तो आई थिंक दैट मेक्स देम अ सुपर क्रिएटिव डेवलपर. ये तो ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी का एक मिरर टूटा हुआ है और उस मिरर को रिप्लेस करने की जगह पे आप एक पूरी ब्रांड न्यू कार खरीद रहे हो. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट अप्रोच विच इज डिस्पैच सेमाफोर. आई नो मैंने डिस्पैच सेमाफोर पे कोई वीडियो अभी तक रिलीज नहीं किया है, बट प्लीज डू बेयर विद मी इन दिस वीडियो. सेमाफोर पे एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है एंड द ओनली रीजन वाई एम एक्सप्लेनिंग सेमाफोर इज बिकॉज ऐसे यूज केस के लिए बहुत से डेवलपर और स्टैक ओवरफ्लो पे आपको सेमाफोर एज अ सोल्यूशन रिकमेंड किया जाएगा एंड इसीलिए मैं इसे डिस्कस करना चाहता हूँ. सेमाफोर वर्क्स लाइक अ लॉक. अब आप पूछोगे कि लॉक क्या होता है? तो अ लॉक इज समथिंग जो आपके शेयर्ड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है सो दैट रेस कंडीशंस ना हो. इसे मैंने इंट्रोडक्शन टू थ्रेडिंग के वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट लॉक्स तो प्लीज डू चेक आउट द इंट्रोडक्शन टू थ्रेडिंग वीडियो. इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है. सो बेसिकली आप सेमाफोर यूज करके आपके थ्रेड को वेट करवा सकते हो जब तक आपका टास्क खत्म नहीं होता. एंड हमें यही तो चाहिए क्योंकि हमारे केस में भी हमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन को वेट करवाना है. सो ऐसे यूज केस में हम सेमाफोर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन प्रोग्रामिंग और मैथ्स के केस में एक सिंपल फंडा ये है कि जरूरी नहीं है कि एक ही सोल्यूशन हर बार हर जगह काम आए. और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यू शुड ऑलवेज थिंक, कंपेयर एंड डू टेक्निकल रीजनिंग बिफोर यू कोड. सेमाफोर भले इस सिनारियो में यूजफुल हो लेकिन सेमाफोर शेयर्ड रिसोर्सेज पे लॉक लगा देता है सो दैट एट अ गिवन टाइम सिर्फ एक थ्रेड उस रिसोर्स को यूज कर पाए. शेयर्ड रिसोर्स एक डेटाबेस या कोई ऐसा वेरिएबल या फाइल हो सकता है जिसे मल्टीपल थ्रेड एक साथ एक्सेस करने का ट्राई करें. सेमाफोर यूज करके हो सकता है कि आप कुछ केसेस हैंडल कर पाओ लेकिन आपको डेडलॉक या प्रायोरिटी इन्वर्शन जैसे इश्यूज भी आ सकते हैं. एंड उन्हें अलग से हैंडल करने के लिए हमें अलग से एक्स्ट्रा कोड लिखना होगा. उस कोड के लिए एक्स्ट्रा टेस्ट केसेस लिखने होंगे और उस कोड की अलग टेस्टिंग करनी होगी. इन सारे सिनेरियोज को हम सेमाफोर के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे. मेरी ओपिनियन सेमाफोर के मामले में यह है कि मैं पर्सनली ऐसे सोल्यूशन को चूज नहीं करूंगा जो एक सिनेरियो तो हैंडल करता है लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी है दूसरे इश्यूज आने की. And I surely want to avoid writing extra code, extra test cases and performing extra testing from QA
बिकॉज उसके बग्स निकलेंगे और फिर उन्हें डीबग करो और फिर उन्हें सॉल्व करो. लॉक्स आर समथिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इफ आई कैन. एंड एज आई सेड, आई एम नॉट अगेंस्ट सेमाफोर. आप यूज़ कर रहे हो तो मेक वेरी श्योर कि आप आपके मॉड्यूल को अच्छे से टेस्ट कर रहे हो. टेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स टू सी इफ इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड. मूविंग ऑन टू द लास्ट अप्रोच वी हैव विच इज डिस्पैच ग्रुप. अब डिस्पैच ग्रुप के वीडियो में हमने ये सीखा था कि डिस्पैच ग्रुप सारे APIs को एक साथ कॉल करता है, लेकिन इस सिचुएशन के लिए हम डिस्पैच ग्रुप और ऑपरेशन क्यू का एक कॉम्बिनेशन अप्रोच यूज कर सकते हैं. डिस्पैच ग्रुप के पास एक वेट नाम का फंक्शन है जिसका यूज करके हम ऑपरेशन के कंप्लीट होने का वेट कर सकते हैं. सो दैट बीइंग सेड, लेट्स यूज डिस्पैच ग्रुप विद ऑपरेशन क्यू. सो ओवर हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्पैच ग्रुप. और हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन को वेट करवाना है, राइट? बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिस्पैच ग्रुप में वी हैव टू यूज एंटर एंड लीव अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे आई विल से द ग्रुप हैज एंटर्ड. और जैसे ही प्रोजेक्ट का यू नो लाइक रेस्पॉन्स प्रिंट करके हो जाएगा कॉन्सोल पे, सो आफ्टर दिस फॉर ईच लूप आई विल राइट द ग्रुप हैज लेफ्ट. और क्योंकि मुझे ये पूरा एग्जीक्यूशन ब्लॉक वेट करवाना है, सो ओवर हियर आई विल राइट ग्रुप, लेट मी स्क्रॉल अप, ग्रुप डॉट वेट. सो लेट्स ट्राई रनिंग द एप्लीकेशन नाउ. सो लेट मी स्टॉप इट एंड रन इट अगेन. सो अभी देखते हैं कॉन्सोल पे क्या आउटपुट प्रिंट होता है. सो ओवर हियर वी हैव गॉट द प्रोजेक्ट, लेट मी स्क्रॉल दिस अप. सो यहाँ पे वी हैव गॉट द प्रोजेक्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोइंग टू कॉल द HTTP यूटिलिटी फॉर प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले अभी प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स प्रिंट हुआ है और फिर उसके बाद हमारा जो एम्प्लॉय फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ है. एंड दिस इज द बिहेवियर दैट वी वॉन्ट. अब इतने सारे अप्रोचेस को डिस्कस करने के बाद ऐसा लगता है कि काश कोई सिंपल अप्रोच होता ये सब हैंडल करने के लिए, जहां हमें इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ता. क्या सही में ऐसा कोई अप्रोच है? लेट्स डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन. सो दैट बीइंग सेड, आई होप आपको ये टेक्निकल डिस्कशन बेस्ड वीडियो पसंद आया होगा. लेट मी नो आपने ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड योर अप्रोच. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना इसे अपने iOS ग्रुप के साथ. और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, Twitter. माई हैंडल इज CodeCat15. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज रवि. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.